नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। देहरादून से खबर, नेशनल हैंडलूम एक्सपो का उद्घाटन हुआ है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज एक्सपो का उद्घाटन किया। देहरादून के परेड मैदान में नेशनल हैंडलूम एक्सपो का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विभाग परिषद ने आयोजन किया है। एक्सपो में देश के अलग अलग राज्यों से हथकरघा से जुड़े लोग स्टॉल लगा रहे हैं। दो हफ्ते तक ये नेशनल हैंडलूम एक्सपो चलेगा। आपको बता दें कि आज इसका उद्घाटन कर दिया गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका उद्घाटन किया है। हथकरघा और हैंडलूम डिपार्टमेंट इसका आयोजन कर रहा है। तो एक्सपो में देश के अलग अलग राज्यों से हथकरघा के कारीगर पहुंचे हैं और दो हफ्ते तक ये नेशनल हैंडलूम एक्सपो चलने वाला है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक्सपो का उद्घाटन किया। दून के परेड मैदान में इसका आयोजन किया गया है। नेशनल हैंडलूम एक्सपो का उद्घाटन हुआ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक्सपो का उद्घाटन किया। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फहीम, दून के अंदर परेड मैदान में ये एक्सपो लगा है, क्या कुछ खासियत और क्या कुछ खास तस्वीरें वहां पर स्टॉल्स की हैं? तुषार, देखिए, मुख्यमंत्री ने इस नेशनल हैंडलूम एक्सपो का भी उद्घाटन किया है और इसमें जो विशेष तौर पर हम बात कहें तो तुषार, इसमें विभिन्न राज्यों के जो हैंडलूम्स के जो उत्पादन है उनका स्टॉल लगी है। हम कश्मीर की बात करें, हम लद्दाख की बात करें, हम यूपी की बात करें, हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो जितना भी हथकरघा उद्योग है राज्यों का उनकी स्टॉल लगी है। और जो उत्तराखंड का हैंडलूम जो उत्पादन है, जो हथकरघा उद्योग है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए इसका आयोजन किया गया है और उत्तराखंड की विभिन्न स्टॉल इसमें लगी है। कई स्टॉल अलग अलग लगी है। जैसे हम देखते हैं कि जो हथकरघा उद्योग है हमारा, जो मैदानी क्षेत्र कुमाऊं के विशेषकर जिले हैं, इनमें हथकरघा उद्योग छोटे स्तर पर, छोटे छोटे पॉकेट स्तर पर रोजगार का एक बड़ा साधन है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए के उद्देश्य से मुख्य तौर पर इसका आयोजन किया गया और तमाम स्टॉल इसमें लगी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद घूम रहे हैं सभी स्टॉल को, ज्यादातर स्टॉल को देख रहे हैं कि अलग अलग स्टॉल पर किस किस तरह का आइटम। और उसमें एक जो फायदा होता है वो ये भी होता है तुषार की जो जो कल्चर है, जो हैंडलूम का जो कल्चर है, जो हथकरघा सामान जो बनता है वो अलग अलग वैरायटी, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग इस तरीके से कहें कि तरीकों का बनता है। उत्तराखंड में अलग तरीकों के इस्तेमाल होते हैं, फिर कश्मीर में अलग तरीकों के, लद्दाख में अलग तरीकों की चीजें बनती हैं, तो उससे भी एक दूसरे से परिचय होता है, एक दूसरे की तकनीक से, एक दूसरे के जो पहनने के, इस्तेमाल करने के जो कपड़े और ऊन के, चाहे खादी के तमाम, और इन जो संस्कृति से एक दूसरे का परिचय होता है और प्रोत्साहन नए नए डिजाइन को लेकर के मिलता है। तो ये आने वाले दिनों में चूंकि दो हफ्ते तक चलेगा तो एक दूसरे के राज्य से लोग जब इंटरेक्शन भी करते हैं तो वो भी एक दूसरे के डिजाइन को देख करके प्रोत्साहित होते हैं, यही इसका उद्देश्य है और मुख्यमंत्री ने भी इसी उद्देश्य को लेकर के बात कही है। जी तुषार, खास तौर से देखिए, अगर रोजगार का आपने जिक्र किया, यहाँ पर दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर लोग पहुंचे होंगे और स्टॉल्स लगे होंगे, कौन कौन से राज्य हैं, किस किस तरीके की तस्वीरें वहां पर हैं? देखिए तुषार, जिससे अभी मैंने मुख्तसर सा जिक्र किया कि इसमें लद्दाख भी शामिल है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की तो स्टॉल है ही, उड़ीसा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तो ये तमाम राज्यों में जहां हथकरघा उद्योग, जैसे हम उड़ीसा देखते हैं तो उड़ीसा हथकरघा उद्योग के मामले में काफी काम होता है। फिर अगर हम उधर तमिलनाडु की तरफ देखते हैं तो ये तमाम राज्यों के जो स्टॉल्स हैं इसमें तकरीबन 20 के आसपास राज्यों के स्टॉल्स इसमें लगे हैं। विभिन्न स्टॉल लगे हैं, दो दो तीन तीन स्टॉल भी लगे हैं और उत्तराखंड के भी कई स्टॉल लगे हैं, अलग अलग कई तो अलग अलग जिलों से भी लगे हैं। तो इस तरह से देखते हैं तो काफी वैरायटी के हिसाब से भी, फिर लोगों को सीखने के हिसाब से और नई नई चीजें खरीदने के हिसाब से भी एक एक्सपो का इसका शुरुआत की गई है और काफी भीड़ इसमें पहले दिन आज उमड़ रही है। लोग उद्घाटन सत्र में ही काफी लोग यहाँ पहुंचे हैं, जैसे हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। ये तुषार, चलिए, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर मैं आपका रुख करूंगा। तो वहीं देहरादून से खबर है, जहां पर उत्तराखंड के अंदर जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने जारी किए निर्देश। एनआरसी और सीएए के विरोध के माहौल को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया। हेडक्वार्टर में मैदानी जिलों के अंदर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों के बाहर पुलिस तैनात रहेगी, तो पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण में रखा जाएगा और इस वक्त तमाम जगहों पर जुमे की नमाज अदा की जा रही है। और ऐसे में उत्तराखंड के अंदर भी डीजी
वाइन ऑर्डर की तरफ से सख्त निर्देश हैं कि तमाम मस्जिदों के बाहर पुलिस तैनात रहे, जिससे कि कोई भी स्थिति बिगड़े नहीं, कोई भी अराजक तत्व तो वहां पर स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश ना करे। फहीम तना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, क्योंकि ये लगभग अब 1:30 बजे से ऊपर का समय हो गया है और तमाम जगहों पर लगभग अब जुमे की नमाज पूरी हो चुकी होगी, किस तरीके की तस्वीर है उत्तराखंड में? देखो तुषार, अभी कुछ मस्जिदों में जुमे की नमाज हुई है, कुछ में अभी हो रही है, यानी प्रक्रिया में है, क्योंकि 1 बजे से और तकरीबन 2:15 बजे तक का टाइम होता है अलग अलग मस्जिदों में, अलग अलग 15 मिनट के, 10 मिनट के। फाइन, मैं आपके पास लौटता हूँ, अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, डीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तराखंड। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज वन इंडिया में। किस तरीके की खबरें सर आपके पास तक अभी पहुंच रही हैं, क्योंकि पूरे उत्तराखंड को लेकर एक असमंजस की स्थिति आप लोगों की तरफ से भी थी कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद रखा जाए, किस तरीके की खबरें हैं, क्योंकि इस वक्त अभी जुमे की नमाज अदा की जा रही होगी? उत्तराखंड में देखिए अभी तक भी सभी कुछ शांतिपूर्वक रहा है और आज भी शांतिपूर्वक चल रहा है और कोई विशेष समस्या नहीं है। हमने सब जगह अलर्टनेस बरती हुई है, सभी जिलों को सतर्क किया हुआ है, सभी जगह पुलिस की ड्यूटियां लगी है, सभी लोग हमारे जो प्रदर्शनकारी है उनसे एडवांस में वार्ता करते हैं, बैठकें करते हैं और अगर कोई उनको बता दिया जाता है कि लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन करने का अधिकार है, किंतु अगर किसी ने भी शांति भंग करने का प्रयास किया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अशोक जी, देखिए कुछ इनपुट्स ऐसे मिले LIU रिपोर्ट में मिले हूँ, क्योंकि कल जैसे तरीके से सतर्क रही पुलिस और हाई अलर्ट जारी किया गया, कुछ इनपुट्स मिले इस तरीके के क्या? नहीं, ऐसा कोई हमारे पास वायलेंस का कोई इनपुट नहीं है, सिर्फ इसलिए एहतियातन हम शुरू से एक प्रकार से एहतियात बरत रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं कि आज जुम्मा है तो आज लोगों में कुछ वो कुछ एक यूथ एलिमेंट उत्तेजना हो सकती है, तो हम पहले से पुलिस प्रबंध करके चलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमसे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अशोक जी और तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी है। फहीम तन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेजिडेंट एडिटर। फहीम, अभी तक कोई भी ऐसा इनपुट नहीं है, अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है, सब कुछ सुकून और खुशी के साथ वहां पर जुमे की नमाज को अदा किया जा रहा है? बिल्कुल तुषार, देखिए कोई ऐसा इनपुट नहीं है, कोई तरह की सूचना नहीं है अभी तक प्रदेश में कहीं से भी की कोई अप्रिय घटना या कोई इस तरह का कोई एजिटेशन हो, और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हो रही है जिस तरह की सूचना है सारी प्रदेश की अलग अलग शहरों से भी जो खबरें हैं, और लेकिन एहतियातन जरूर कदम उठाए गए हैं पुलिस की तरफ से। और हालांकि जो नमाज को लेकर के भी शहर काजी ने एक अपील की थी कि आज रोजा रखें, और किस तरीके की कोई अप्रिय घटना को जो इस पर नजर रखें, सब लोग अपनी भी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए उन्होंने इस बात की अपील की थी और रोजा रखने के लिए कहा था कि शांति रहे और देश में अमन कायम रहे, इसके लिए दुआ करें सभी लोग रोजा रख करके, बजाय इसके कि किस तरीके की कोई हिंसा हो। लिहाजा शांतिपूर्ण है और उम्मीद की जानी चाहिए कि शांतिपूर्ण ही रहेगा, लेकिन पुलिस की अपनी एहतियात और पूरा अपना अलर्ट पर, पुलिस अलर्ट मोड पर पुलिस है। जी तुषार, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, फहीम और जानकारी देने के लिए। तो देहरादून में भी जुमे की नमाज अलर्ट यहां पर अदा की जा रही है और पुलिस विभाग इस वक्त अलर्ट पर है। तो मुल्क में अमन और शांति की अपील के लिए यहां पर रोजा रखने की अपील की गई है। आपको बता दें कि देहरादून शहर काजी मोहम्मद अहमद काजमी ने अपील की, शहर काजी ने सभी से 27 दिसंबर यानी कि आज के दिन रोजे की अपील की है, सभी से रोजा इफ्तार के बाद दुआओं की भी अपील की है, यानी कि आप सभी ये दुआ कीजिए कि अमन शांति बरकरार रहे, तो सभी से रोजा और रोजे के बाद इफ्तार के दौरान दुआओं की अपील की गई है। आपको बता दें शहर काजी की तरफ से ये अपील की गई, काजी मोहम्मद अहमद काजमी ने यह अपील की है कि सभी मुस्लिम भाई आज जुम्मे के दिन रोजा रखें और उसके बाद इफ्तार के दौरान दुआओं में अमन शांति मांगें और अमन चैन बरकरार रहे, इसकी दुआ करें। तो वही देहरादून से खबर, जहां पर विशेष सत्र के लिए विधानसभा से जारी हुई अधिसूचना, 7 जनवरी को बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र। एससी एसटी आरक्षण को 10 साल और बढ़ाने के लिए यहां पर फैसले का अनुमोदन होगा। केंद्र सरकार ने आरक्षण को 10 साल और बढ़ाने का फैसला लिया है, राज्य विधानसभाओं से भी अनुमोदन होना फैसले का बाकी है। ऐसे में उत्तराखंड की विधानसभा 7 जनवरी को विशेष सत्र के दिन इस फैसले का अनुमोदन करेगी। आपको बता दें कि 70 साल संविधान को पूरे हो रहे हैं 26 जनवरी को, ऐसे में अनुच्छेद 334 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रभावहीन होना है। यहां पर एससी एसटी विधायकों को जो आरक्षण मिलता है
उसको यहाँ पर 10 साल और केंद्र सरकार ने बढ़ाने का फैसला किया है और ऐसे में राज्य सरकारें विशेष सत्र के तहत यहाँ पर अनुमोदन कर सकती हैं और यही राज्य विधानसभा से अनुमोदन होगा। 7 जनवरी को विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। तो 7 जनवरी को बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र एससी एसटी आरक्षण को 10 साल और बढ़ाने के फैसले पर अनुमोदन होगा। राज्य विधानसभाओं से भी अनुमोदन होने है फैसले का। ऐसे में विशेष सत्र के लिए विधानसभा से जारी हुई अधिसूचना एससी एसटी विधायकों के आरक्षण को लेकर यह फैसला है। फहीम तना रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, अगर बात करें 7 जनवरी का दिन होगा जिस दिन इसका अनुमोदन किया जाएगा इस फैसले का एससी एसटी विधायकों के आरक्षण के मामलों को लेकर, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल तुषार, देखिए संविधान की अनुच्छेद 334 में प्रदत्त अधिकारों के तहत एससी एसटी का आरक्षण है विधानसभाओं में और इसी के तहत विधायकों का भी निर्वाचन होता है। लिहाजा ये 70 साल के लिए व्यवस्था की गई थी 26 जनवरी 1950 को और 70 साल 26 जनवरी 2020 को पूरे हो रहे हैं, तो लिहाजा उससे पहले ही, क्योंकि केंद्र सरकार ने फैसला अभी कुछ दिनों लिया कि 10 साल और अभी इसको बढ़ाया जाएगा, उसके बाद की स्थिति को देखते हुए बाद में निर्णय होगा। तो इसके लिए राज्य सरकारों को अनुमोदन करना बहुत जरूरी है और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से फिर इसकी अधिसूचना जारी होगी। तो लिहाजा ये 7 जनवरी को उत्तराखंड का विधानसभा विशेष सत्र आहूत किया गया है और राज्य विधानसभा के अनुमोदन के बाद ही केंद्र बुलाएगा, लिहाजा इसके लिए सबको अधिसूचित कर किया जा रहा है। आज अधिसूचना इसकी जारी हो गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फहीम हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं धनोल्टी नगुन भवान सुबह खोली मोटर मार्ग पर खाई में गिरी एक कार और हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने घायल को थर्ड्यूर अस्पताल के अंदर भर्ती कराया, हालत नाजुक होने पर घायल को हायर सेंटर पर किया गया है। यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, कार सवार और 3 लोग इस गाड़ी में मौजूद थे, 2 की मौके पर मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, हायर सेंटर रेफर किया गया है। हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आपको बता रहे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले ये बताए जा रहे हैं कार सवार। तो धनोल्टी के अंदर नगुन भवान सुबह खोली मोटर मार्ग पर ये खाई में गिरी है कार, तो पुलिस ने घायल को थर्ड्यूर अस्पताल के अंदर भर्ती कराया है। फिलहाल हालत नाजुक होने पर घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। तो हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये थर्ड्यूर अस्पताल में भर्ती कराया गया घायल, इसके बाद हायर सेंटर से रेफर किया गया है, हालत नाजुक थी, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं ये तीनों ही, और जिस गाड़ी में ये आए थे धनोल्टी के पास से गुजर रही थी उसी दौरान अनियंत्रित होकर ये खाई में गिरी है और इसमें 3 लोग जो सवार थे 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 1 गंभीर रूप से घायल है जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायल को थर्ड्यूर अस्पताल में भर्ती कराया है, फिलहाल घायल की स्थिति गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो वहीं लाल कुआं से खबर, जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है, कार्रवाई से नशे के कारोबारियों में मचा हड़कंप, बीते 1 महीने में 22 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। अवैध शराब के साथ 24 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, होटल ढाबे और अन्य जगहों पर लगातार चेकिंग हो रही है। सीओ शांतनु पराशर के कार्यभार संभालने के बाद नशे के कारोबार में कमी आई है, तो बीते 1 महीने में 22 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, अवैध शराब के साथ 24 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो होटल ढाबे और अन्य जगहों पर लगातार चेकिंग चल रही है। सीओ शांतनु पराशर के कार्यभार संभालने के बाद नशे के कारोबार में कमी आई थी और लालकुआ का ये मामला जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। हमारा नशे के खिलाफ जो हमारा अभियान चल रहा है उसमें प्रिवेंटिव एक्शन में देखा जाए तो हमने 22 केस रजिस्टर किए हैं और अभी तक 24 अभियुक्त हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं।
अगर क्वांटिटी में देखा जाए तो 2000 पाउच जो अपनी कच्ची शराब है वो पकड़ी गई है, तथा काफ़ी जो भट्टियां हैं वो डिस्ट्रॉय भी की गई हैं। इसमें इंग्लिश में देखा जाए तो हमने 60 के लगभग जो अपने पावर होते हैं वो भी पकड़े हैं। व्हीकल के ऊपर कार्रवाई देखी जाएगी तो अपने 7 व्हीकल हमारे जो पकड़े गए हैं इसमें, जिसमें एक्साइज एक्ट पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा हमारा पुलिस एक्ट में हमने 100 से अधिक चालान किए हैं पिछले 1 महीने में, जो कि पीते हुए पाए गए हैं लोग या फिर कोई पिला रहा है उसके खिलाफ। इसका जो कार्रवाई का असर है वो तो देखा जा रहा है कि अब बिकना थोड़ा कम हुआ है कि हमारा। तो वही मसूरी विंटरलाइन कार्निवाल के तहत उत्तराखंड फूड फेस्टिवल में पर्यटकों ने पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि माल रोड पर आयोजित फूड फेस्टिवल में गढ़वाल और कुमाऊनी व्यंजन धुमूर पल्लर, अल्मोड़ा की बाल मिठाई, मुंडवा की जौ की रोटी, कुलत की दाल, कद्दू का रायता, तिल की चटनी, झंगोरे का खीर और मीठा भात, इसके अलावा गुलगुला, तुअर दाल, झंगोरा और कंडाली का साग, ये सब खाकर देश विदेश के पर्यटक इनके स्वाद के मुरीद हो गए हैं। इससे पहले फूड फेस्टिवल का शुभारंभ मशहूर वास्तु शेफ माइकल सून ने किया। इस मौके पर मसूरी विधायक गणेश जोशी, जिलाधिकारी सी रविशंकर और पालिका अध्यक्ष अमित गुप्ता भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और व्यंजनों को कार्निवाल के माध्यम से प्रदर्शित कर उसका प्रचार प्रसार करने का ये अच्छा प्रयास है। बहुत ही इमेजिंग लगा, बहुत ही अच्छा लगा। जो उत्तराखंड सरकार ने जो ये कार्निवल का आयोजन किया है ये बहुत ही अच्छा है, और इससे जो आने वाले पर्यटक को मैं बहुत ज्यादा खुशी है, और मैं भी अपनी वाइफ के साथ आया हूँ, बच्चों के साथ आया हूँ, बहुत खुश हूँ। हर जगह पे हम जाते हैं ना, हर डिश अलग अलग होता है, और उत्तराखंड का खाना बहुत सिंपल है, बहुत खूबसूरत है, एंड द कार्निवल बहुत, इट इज वर्ल्ड क्लास, क्वालिटी बहुत अच्छा था, उसका हाइजीन भी बहुत ठीक था, बहुत सही था, उसका लोगों भी बहुत खूब फ्रेंडली था। और कार्निवल में जब कार्निवल होता है तो हर डिशेस को भी मिल एक जगह पे मिल सकते हैं। ये फूड फेस्टिवल जब आने वाले पर्यटक हमारे स्थानीय व्यंजनों का टेस्ट करेंगे, अभी मैंने भी कुछ स्थानीय व्यंजनों को यहाँ पर चखने का मुझे मौका मिला, इसमें इतना स्वाद है और इतने जिस प्रकार से और जगह आप उसमें घी या तेल बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल भी कम हुआ है, तो निश्चित ही इसका प्रचार प्रसार होगा। और हमने कोशिश की है कि हमारे जो पहाड़ के व्यंजन हैं वो तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जाएं, क्योंकि मसूरी जो पर्यटक नगरी है, यहाँ पर भारत का नहीं पूरा विश्व का टूरिस्ट यहाँ पर आता है, और जब व्यंजनों का स्वाद वो लेगा तो निश्चित ही हमारा जो एक पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जब हमारे स्थानीय उत्पाद यहाँ से बाहर जाएंगे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। आज भी इस कार्निवल के माध्यम से लगे किस स्टॉल यहाँ पर लगे हैं, लगभग सभी स्टॉलों में हमने सुनिश्चित किया है कि पहाड़ी व्यंजन जो स्थानीय यहाँ की परंपराएं हैं उनको यहाँ पर परोसा जाए, और निश्चित इसका लाभ हमको यहाँ पे जो फेस्टिवल में पूरा हमारा लोकल जो क्यूजीन है उसको बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स में जो है बना करके प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें पब्लिक का भी फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, और हम लोग भी ट्राई किए थे, वास्तव में जो है रियली काफ़ी टेस्टी एंड यम्मी था। तो ज़रूर हमें पूरा उम्मीद है कि ये जो फूड फेस्टिवल है सभी पर्यटक जो है बहुत पसंद करेंगे, और हमारा जो लोकल व्यंजन है उसका अच्छा प्रमोशन होगा। खाना बनाया था कुलत की दाल का सूप, हमने पहली बार रखा था, उसकी भी एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उसके अलावा हमने अरशे बनाए थे और चैसा बनाया था, और तोर की दाल बनाई थी, झंगोरे की खीर बनाई थी, मंडवे की रोटी बनाई थी कुलत से भर के स्टफ करके, उसका भी बहुत अच्छी बिक्री हुई है। और साथ में हमने एक नमक बनाया था स्पेशली, जो पहाड़ में बनाया जाता है, कई सारी चीज़ें टिमरू के बीज उसमें मिलाए जाते हैं, वो सब मिला के हमने बनाया था, उसका भी काफ़ी अच्छी बिक्री हुई और पर्यटकों को पसंद भी आया कि हमने यहाँ नई चीज़ देखी है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि में बस इतना ही, इसके आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।